फ्रेंड्स, फ्लेवर्स ऑफ किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ राजस्थान की फेमस मूंग की दाल की मंगौड़ी की सब्जी। गर्मियों में जब सब्जियाँ ज़्यादा नहीं अवेलेबल होती, उस टाइम पे आप इस सब्जी को बनाएं। ये बहुत टेस्टी लगती है खाने में और क्विक रेसिपी है, फटाफट बन जाती है। और मूंग की दाल की मंगौड़ी कैसे बनाई जाती है, इसकी रेसिपी भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर दे रखी है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप उसमें से जाकर सर्च कर सकते हैं। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं राजस्थान की फेमस मूंग की दाल की मंगौड़ी की सब्जी। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। एक कटोरी मूंग की दाल की मंगौड़ी ली है, दो आलू ली हैं जिन्हें मैंने धोकर टुकड़ों में काट लिया है, बनाने के लिए देसी घी लिया है, दो टमाटो लिए हैं जिन्हें चॉप कर लिया है, एक जिंजर का टुकड़ा है और दो हरी मिर्चें, इन्हें हम मिक्सी में पीस लेंगे, और बेसिक सारे मसाले हैं। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस पे मैंने एक कढ़ाई रख दी है और इसके अंदर मैं डाल दूंगी एक चम्मच देसी घी। हम इस सब्जी को देसी घी में ही प्रिपेयर करेंगे और हमने एक कटोरी जो मंगौड़ी ली है इसे हम भून लेंगे जब तक कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता है। गैस की फ्लेम को हम स्लो ही रखेंगे, हमें इसे अच्छी तरह धीमी आंच पे भूनना है। देखिए कितनी छोटी छोटी मंगौड़ी हैं ये, और घर की मंगौड़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। देखिए धीरे धीरे इसका कलर चेंज होने लगा है। देखिए मंगौड़ी का कलर चेंज हो गया है। इस टाइम पे हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। मंगौड़ी को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया है मंगौड़ी का। हमने गैस पे कुकर रख दिया है, सब्जी को हम कुकर में बनाएंगे और इसमें हम डाल देंगे एक चम्मच देसी घी। घी को हम गर्म होने देंगे अच्छी तरह। अब हम इसके अंदर डाल देंगे 1/4 टीस्पून हींग। हींग का स्वाद बहुत अच्छा आता है इस सब्जी में। अब डाल देंगे एक चम्मच जीरा और साथ में हम डाल देंगे जो हमने टमाटर पीसे थे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसे हम। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं डालूंगी 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पिसा हुआ, लाल मिर्च आधा चम्मच, बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हो, साथ में टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट, और मसाले को हम बहुत अच्छी तरह से भुनने देंगे जब तक कि ये घी नहीं छोड़ देता है मसाला। फ्रेंड्स, मसाला भुन गया है। अब हम इसके अंदर दो आलू ऐड करेंगे, इन्हें हमने टुकड़ों में काट लिया था अच्छी तरह धोकर, साथ में जो हमने मंगौड़ी को रोस्ट करा था उसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छी तरह आपस में मिक्स करेंगे सब चीजों को। अब हम इसमें डाल देंगे एक गिलास पानी। सब चीजों को एक बार अच्छी तरह मिक्स करके अब हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और 3 से 4 हम सीटी ले लेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे। तीन से चार सीटी आ गई है, हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। 5 मिनट के बाद हम कुकर का ढक्कन खोलेंगे। कुकर में से भाप निकल चुकी है, अब हम कुकर का ढक्कन खोल के देखते हैं। देखिए सब्जी बिल्कुल बनके तैयार है, हमें इतनी ही गाढ़ी सब्जी चाहिए। अब इसमें हम डालेंगे गरम मसाला और धनिया, ये चीज़ें आप लास्ट में डालिए, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है लास्ट में गरम मसाला और धनिया डालने से। सब्जी को हम एक बर्तन में खाली कर लेंगे। देखिए कितनी अच्छी सब्जी बनके तैयार हुई है। सब्जी बनके बिल्कुल तैयार है, ऊपर से इसमें हम थोड़ा सा धनिया पत्ती और डाल देंगे। फ्रेंड्स, आपको मंगौड़ी की सब्जी कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, और आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपना फीडबैक देना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय।